Hi Scoobers family, this is Megha. मेरा मिठाई का दुकान है जो 130 years पुराना है, नॉर्थ कोलकाता में है, होरीगोस स्ट्रीट में है, हाथी बागान में, और यहाँ बहुत अच्छा अच्छा मिठाई मिलता है। आके जरूर टेस्ट करके जाइएगा। हाँ, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, आप लोग भी टेस्ट करके बताएंगे जरूर कि कैसा है। Hi Scoobers family, मेरा नाम रोहित दत्ता है, मैं कोलकाता का रहने वाली हूँ और हम लोग के पास दो डोमो मैन से, एक का नाम है डोना और एक का नाम है ब्लेस। डोना का ही बच्चा है ये, तो इस सीजन में ही हम लोग उतरे हैं ब्लेस के साथ। मैं हैंडलिंग कर रही हूँ इसका, तो इसको मैंने लॉकडाउन में बहुत अच्छे से ट्रेन किया है, बहुत अच्छे से नहीं बोलेंगे ट्रेन किया है, तो शो कर रहा है अभी। उसको मिला है जो भी मिला है, DOB मिला है, क्लास फर्स्ट मिला है, लाइन अप में फर्स्ट हो पाया है, तो अभी अच्छा कर रहा है। मेरा पहले से ही था कि मुझे बड़े जो वर्किंग ग्रुप है वैसे डॉग्स ज़्यादा पसंद है छोटे से, तो डोबरमैन में एक तो फिजिक का बहुत अच्छा दिखता है मुझे, तो तभी से मुझे लगा था कि हम एक डोबरमैन लेंगे। तो रोहित ने मुझे डोना को गिफ्ट किया था, तो डोना गिफ्ट करने के बाद तो हम लोगों ने सोचा कि चलो इसका करते हैं, मतलब वो प्रेग्नेंट हुई जब, तो यही सिर्फ नॉर्मल में निकला था एक, तो नॉर्मल में जब निकला था तो हम सोचे कि एक मुझे एक लड़का चाहिए था, तो हम उसका ही लड़का रख लिए। मेरा एक्सपीरियंस, आई एम मैच्योर, मतलब कुछ भी नहीं जानती इतना अच्छा, पर हाँ मुझे इंटरेस्ट है डॉग्स में, दैट्स इट। लोग तो खाते हैं, मुझे बहुत सारे बोला, आई डोंट नो सच मच अबाउट डोबरमैन फूड एंड ऑल दैट थिंग्स, तो समवन एडवाइस्ड मी कि उन लोगों को दो बार ही खाना खिलाना चाहिए, पर घर में तो माँ बाप है और वो ये लोग तो मतलब आदोरे भालो भाषा के की बोले, हिंदी तो हमें जानी ना, चार बार खा ही लेते हैं ये लोग। सुबह उठ के वो उसका डॉग फूड खाते हैं, फिर दोपहर में चिकन और भात खाते हैं, और फिर रात में भात और चिकन खाते हैं, और बीच में जो होता है वो बिस्किट कुछ खा लेते हैं बस। बिसाइज वो एक घंटा रोज खेलते हैं बॉल के साथ रोज, मतलब उन लोगों का पक्का मतलब है, 4 बजेगा तो हम मुझको उठा देगा कि मुझको खेलना है, उठा मतलब चलो अब बॉल लेके तुम दौड़ो हम भी दौड़ेंगे, बस एक घंटा उन लोगों का वो चाहिए। 11 मंथ्स का डोबरमैन है, इसका नाम ब्लेज है, तो अभी शो कर रहा है। इसका ब्लड लाइन जेथ्रो का ब्लड लाइन है, इसका मम्मी जेथ्रो के लाइन से आया है, पर और 11 मंथ्स का है अभी, सीख रहा है, हम भी सीख रहे हैं, ये भी सीख रहा है। मैंने जो मतलब मेरा तो उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने जो भी सीखा है गूगल यूट्यूब से और टॉपादा से ही सीखा है, तो उन लोगों का मतलब बॉक्स होना चाहिए जैसे, तो एक अच्छा मेल का हाइट 28-29 सेंटीमीटर होना चाहिए। वो लोग जब मतलब वो जब बड़ा हो रहा था धीरे धीरे उसको मतलब देखा कि हाँ हो रहा है, ठीक ठाक हो रहा है, तो जब लॉकडाउन पड़ा तो हमने उसको मापा भी, हर सब मतलब माप के देखा कि नहीं डॉग स्क्वायरी है, तो तभी सोचे कि चलो ट्रेन अच्छे से कटते हैं, कुछ तो कटते हैं, फिर देखा जाएगा क्या होगा नहीं होगा, तो तभी से हैंडलिंग कर रहे हैं, और वही उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। डोबरमैन ब्रीड तो मेरे को पहले से ही पसंद था, हम लोग शो में जाते थे, पहले शो में देखते थे डोबरमैन डॉग, बॉडी स्ट्रक्चर और फैमिली, डोबरमैन फैमिली के साथ भी बहुत अच्छे तरीके से रहते, और गार्ड मतलब जो वर्किंग डॉग भी है, ये वर्किंग ग्रुप से बिलोंग करते ये लोग। मेरा प्रोफेशनल है इवेंट्स, फ्लावर डेकोर इवेंट्स, हम लोग वेडिंग इवेंट्स प्लान करते, और ये जो ये शौक के तारे हम लोग पालते हैं बस। और हैंडलिंग जो है, हैंडलिंग हम लोग का ये फर्स्ट मेटिंग का, फर्स्ट लीटर का फर्स्ट पप्पी था, तो इसलिए हम लोग मतलब इसको पाले, इसको हम घर में रख लिए, तो और यूट्यूब वगैरह देख के हम लोग मतलब मेघा ही हैंडलिंग ज़्यादा से ज़्यादा करता है इसको लेकर, और टॉपपदा जो है, टॉपपदा भी मेगा को बहुत सपोर्ट करता है, और टॉपपदा मेगा को सपोर्ट करके मेगा को थोड़ा बहुत सिखा रहा है, आज जो कर रहा है मेगा खुद ही कर रहा है। आप पूछेंगे कि क्यों हैंडलिंग कर रहे हो, तो इसका जवाब कुछ भी नहीं है, लॉकडाउन है, वायरस का बहुत पॉजिटिव साइड दिखने को मिला है, कि मुझे पता था वो तभी कितना 2 या 3 महीने का होगा, मुझे पता था तभी से अगर उसको ट्रेनिंग नहीं दिखा मैंने सिखाया जाएगा स्टैकिंग एंड ऑल दैट, तो वो नहीं समझेगा जब बड़ा होगा, तो खड़ा नहीं रहेगा, तो तभी से एक कम हम करते थे कि 2 घंटा उसको ट्रेनिंग किया कि खड़ा कैसे रहते हैं, कि स्टैक करके वहाँ पे अगर स्टे बोल दो दूर चले जाओ फिर भी वहाँ पे खड़े रहेंगे वो, तो वो बहुत अच्छे से शायद वो सीखा है छोटे से,
और मतलब उतना हम लोग तो प्रोफेशनली डोबरमैन मतलब ऐसे पूछेंगे तो हम शायद नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हमसे बहुत एक्सपीरियंस वाले हैं जो डॉग शोज में हैं। हम एकदम मतलब छोटे मतलब एमेच्योर ही बोल सकते हैं, सिर्फ क्या बोले शौक शौक में आगे ऐसे बोल सकते हैं कि अच्छा लगता था, पालते थे, फिर लगा कि हाँ चलो कर लेते हैं, तो टॉपदा बोला तुम बहुत अच्छा कर रहे हो तो तुम ही अपना डॉग को लेके उतरो, क्योंकि डॉग के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप जब बिल्ड होता है ना तो तब हैंडलिंग बहुत ज़्यादा होता है, डॉग आपका बात सुनता है, कि छोटे से जब डॉग को तुम ट्रेन करते हो तो अच्छा सा एक जो फ्रेंडली रिलेशन मतलब क्या बोले स्टार्ट होता है वो आपका बात सुनता है, वही चीज़ है जो हैंडलिंग का बेस है मुझे लगता है, कि डॉग आपका बात सुने, आपकी तरफ देखे, आप समझो उसको, वो आपको समझे, दैट इज़ द बेस ऑफ एवरीथिंग इन अ डॉग रिलेशन, इन अ डॉग हैंडलिंग, इन अ डॉग शो, आई थिंक सो, नॉट मोर देन दैट। जो আমরা একদম নতুন, আমরা একদম অ্যামেচিওর, আমরা এই ডগ গেমে একদম প্রথমবার আসা, তো আমরা চাইবো আমাদেরকে আপনারা সাপোর্ট করুন, আমাদেরকে আমাদের ভুল সেটা শুধরে যাওয়ার জন্য হেল্প করুন, আমাদের আমাদের ভুলটা বলুন, এর থেকে আমরা কিছু শিখতে পারবো, আমরা আরো কিছু ভালো কিছু করতে পারবো। স্কুবার্স কে লাইক করুন, কমেন্ট করুন এন্ড বলুন যা ভুল আছে, ও সবে 11 মান্থস, এখন অনেক দেরি আছে, আপনারা বললে হয়তো আমি শুধরে নিতে পারবো সেই জিনিসটা যে কোনটা কি করা উচিত না উচিত। থ্যাংক ইউ।